खुदा ने मधुमक्खियों को प्रेरित किया, पहाड़ों पेड़ों में घर बनाओ। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खियां हैं और इनका रंग विशेष रूप से काला होता है। हिमालय और एवरेस्ट की चोटी वाले देश से शहद खोजने वाले हम यहाँ पर सबसे असाधारण शहद को पाने का मौसम देखने आए हैं। मति भ्रम करने वाला शहद, इसे मैड हनी कहा जाता है। नेपाल में हिमालय की चोटी पर स्थित विशाल मधुमक्खी के छत्ते से हम जो शहद इकट्ठा करते हैं उसमें नशीले प्रभाव होते हैं। रोडोडेंड्रॉन फूल के कारण लोग उस शहद को खाते हैं और नशा करते हैं। वो नशा इस फूल से आता है। मैं चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अंधेरी दुनिया। वो दुनिया की सबसे खतरनाक शहद पाने की प्रक्रिया में से एक है। ऊंची चट्टानों पर चढ़ते हैं जिनकी ऊंचाई कभी कभी 200 मीटर से भी अधिक होती है। ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। ये शहद ढूंढने वाले हैं। शहद का उल्लेख कुरान में एक अद्भुत सूरा में विस्तार से किया गया है जो अल्लाह की शानदार रचना पर विचार करने का आग्रह करता है। इस ईश्वरी चमत्कार को करीब से देखने के लिए आज हम हिमाचल गए। शहद हमारे अरब जगत में व्यापक रूप से फैला हुआ है। अल्जीरिया, मोरक्को, मिस्र और ट्यूनीशिया सबसे बड़े शहद उत्पादक हैं और अन्य अरब देश, लेकिन यमनी सिद्र शहद सबसे मशहूर है क्योंकि इसका उत्पादन यमन के पहाड़ों में होता है, प्रसिद्ध लोटे के पेड़ से। लेकिन नेपाल के पहाड़ों में ये अलग है। शहद पाने की प्रक्रिया अलग है और मधुमक्खियां अलग है। गुरुन जनजाति के शहद ढूंढने वाले सबसे अजीब शहद। हम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। ये 30 मिलियन निवासियों वाला देश है जो हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित है, भारत और चीन के बीच। यहाँ एवरेस्ट चोटी है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हम यहाँ दुनिया का सबसे असामान्य शहद पाने का मौसम देखने आए हैं। हम एक असामान्य जगह पर जा रहे हैं। हम पहाड़ों की चोटी पर शहद खोजने वालों से मिलने जा रहे हैं। हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो बहुत आकर्षक है। यहाँ पहाड़ों तक पहुँचने के लिए हमने 10 घंटे से अधिक का सफर तय किया। हमें और भी ऊपर जाने के लिए गाड़ियाँ बदलनी होंगी, जो एक बहुत ही सुनसान जगह है। ये शहद खोजने वाले मधुमक्खियाँ हिमालय के ऊंचे इलाकों में इन सभी स्थानों पर फैले एक पौधे के फूलों से रस इकट्ठा करने के लिए इन मैदानों और घाटियों में अपना रास्ता बनाती हैं। नेपाल में एक नया रोमांच। चलो चले। गुरुंग जनजाति जिनके पास हम जा रहे हैं असामान्य तरीके से शहद इकट्ठा करते हैं। शहद दोस्तों जिसमें लोगों के लिए उपचार है। हम कल शहद देखेंगे। अभी रात के 10 बजे हैं। हम सुबह 10 बजे से बाहर निकले हैं। ये शहद दुनिया के किसी भी दूसरे शहद से अलग है। लोग इसे मति भ्रम शहद कहते हैं। ये इसका मौसम है, वसंत, क्योंकि ये उस फूल के खिलने का मौसम है। भाई कितना अच्छा स्वागत है। शुक्रिया। हम कहाँ बैठे? यहाँ बैठिए, ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये फूल लाल होता है इसलिए इसके शहद को लाल शहद कहा जाता है और मैड हनी भी कहा जाता है। इसे रोडोडेंड्रॉन फूल कहा जाता है और ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल है।
हम शहद खोजने वालों के पास जा रहे हैं। हमें 1.5 घंटे तक पैदल चलना है। हिमालय हमारे पीछे है। पर्वतारोहण के मामलों में नेपालियों में अपार ऊर्जा और शक्ति है। आप पाएंगे कि दुनिया भर के सभी नेपाली पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर हैं, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच रहते हैं। नमस्ते सभी जानलाई, मेरो नाम नन्दलाल तामाङ, गाउँ ताजे बासिन्दा। अनि मैले यो घिरु महाकालेर झन् लगभग 20 वर्ष भयो। फेरि योभन्दा पहिले मैले विभिन्न काम पनि गर्थेँ। म इसप फोल्डर हो। मैले दुबई सऊदी म 105 मिटरमा गएर चाहिँ डेन्जर इसप फोल्डरै बनाउँ। ये वही गुरुंग जनजाति है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम शहद की खोज के लिए निकल रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम शहद इकट्ठा करने वाली जगह पहुंच जाएंगे। तो ये अपने शहद इकट्ठा करने के उपकरण लेने के लिए नीचे जा रहे हैं। ये शहद दुनिया में सबसे प्रसिद्ध प्रकार के शहद में से एक माना जाता है, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, और ये जो कर रहे हैं वो भी आसान नहीं है। ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। धरती पर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मधुमक्खियां, जरा सोचिए, इन मधुमक्खियों की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। अब हम इन मधुमक्खियों का सामना करेंगे, ऐसी मधुमक्खियां जिनका डंक घातक होता है। गोरोंग के गांव में आपका स्वागत है। हम कुछ देर के लिए यहाँ रुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने रस्सियों को नदी में डाल दिया है ताकि इन्हें पकड़ना आसान हो जाए, क्योंकि अब ये चढ़ने वाले हैं। शहद इकट्ठा करने के लिए चट्टानों और पहाड़ों पर चढ़ते समय बहुत से लोग मरे हैं। इन्होंने इन चट्टानों का नाम उन लोगों के नाम पर रखा है जो इस खतरनाक पेशे के कारण मर गए। तो सभी गांव वाले यहां शहद के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम चट्टान के बगल में हैं और ये दिन के मुख्य कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो शहद की तलाश करना है। इन्होंने बांस की रस्सियों के अंदर लकड़ी के लिए लट्ठे डाल दिए। इन चट्टानों पर चढ़ने से पहले ये मुर्गों की बलि देते हैं। ये मुर्गे की बलि देने वाले है। तो रोडोडेंड्रोन फूलों के खिलने के बाद ये पागल मधुमक्खियां फूलों में उड़ती हैं और ग्रैनोटॉक्सिन युक्त शहद लेती हैं। तो ये फूल का नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन फूल। हाँ, इसे मैड हनी कहा जाता है। मैड हनी? हाँ, ये माइड हनी है। मैं शहद के लिए बहुत उत्साहित हूँ। या अल्लाह, आप खुद शहद इकट्ठा कर रहे हैं और इसे चख रहे हैं। और किसी भी फल से भोजन करो और अपने खुदा के रास्ते पर चलो। जरा सोचिए, उनके पेट से अलग अलग रंगों का तरल पदार्थ निकलता है। आज हम वो देखेंगे। ये मधुमक्खियों के पास जा रहे हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां मधुमक्खियां हमारे चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगी। ये मधुमक्खियों को भगाने के लिए इन हरी पत्तियों में आग लगा देंगे। तो ये हमारे लिए ही कपड़े लाए हैं, क्योंकि मधुमक्खी का डंक खतरनाक होता है। तो ये हरी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा धुआं निकलता है और ये धुआं मधुमक्खियों को परेशान कर देता है और उन्हें छत्ता छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ये हमें कुछ याद दिलाता है, अल्लाह के नाम पर, जिसमें लोगों के लिए उपचार है। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं और फिर अपने घर लौट जाती हैं, जो कि मधुमक्खी का छत्ता है। और ये रस मधुमक्खी के पेट में शहद में बदल जाता है। मैं अब उन्हें नीचे जाते हुए देख रहा हूँ। जब ये नीचे चले जाते हैं
तो उन्हें मधुमक्खियों से डर लगता है। आप तुरंत देखेंगे कि कैसे मधुमक्खियां अचानक उन सभी पर हमला कर देती हैं। अल्लाह के नाम पर, या खुदा। धुआं मधुमक्खियों को दूर भगाता है। ये खतरनाक है। मधुमक्खी ऐसी जगह छत्ता कैसे बना लेती है जहां पहुंचना मुश्किल होता है। तो पहले तो पजा साड़ी साथी आगरा मनगर पहले धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा सारे दूध देना। मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। औषधि को रूप में यही आपके रक्तचाप में मदद करता है, यही सांप के काटने से बचाता है। इनका कहना है कि शहद लगाने से वो भी ठीक हो सकता है। हाँ, जब मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो मधुमक्खियों के पेट के अंदर वो रस शहद में बदल जाता है और फिर मधुमक्खियाँ उसे छत्ते में डाल देती हैं। अब हम शहद का स्वाद चखेंगे। देखिए कैसे इन्हें सर पर काटा गया है। इन्हें अभी हमारे सामने ही 4 बार काटा गया है। ये मैड हनी है, ये सबसे जंगली शहद है, यही सबसे अच्छा मैड हनी है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसे बहुत अधिक खा लिया तो ये समस्या हो सकती है। इनका कहना है कि 1 घंटे के बाद दुष्प्रभाव के रूप में मनोभ्रम होगा। या गुड हनी, टू स्पून ब्लैक। खतरे की सीमा तब होती है जब आप 2 चम्मच से ज्यादा खाते हैं। 1 घंटे के बाद आपको चक्कर आने लगेगा। इसके रस में ग्रैनोटॉक्सिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण शहद को खाने से चक्कर आने लगते हैं। मैड हनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इन लोगों के लिए तालियां। मुश्किल काम है यार, शुक्रिया। अल्लाह की जय हो, ये एक उपचार है। अल्लाह ने हमें शहद में एक प्राकृतिक औषधि दी है। हम इसे आजमाने के लिए हिमालय आए। इस आदमी की एक शहद कंपनी है और ये इसे इन पहाड़ों से लेता है। ये हमें वहां लाया है जहां से उसे शहद मिलता है। हम उनसे इसे बहुत सारा खरीदेंगे क्योंकि ये शानदार है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए एक संकेत है जो विचार करते हैं। अल्लाह के नाम पर। तो दोस्तों, ये मैड हनी के बारे में नेपाल की फिल्म थी। क्या आपको इस वीडियो में सभी प्रभाव दिखाई देते? गांव और हवा की आवाज, मधुमक्खी की कुछ आवाजें हमें एपिडेमिक साउंड से मिले। हम उनके साथ 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने इस वीडियो को प्रायोजित किया है। अब आप इन प्रभावों का उपयोग कर सकते हैं और पहले 30 दिन मुफ्त पा सकते हैं जब आप विवरण बॉक्स में लिंक खोलते हैं। उनके निरंतर समर्थन के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया।